हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ लॉ इन द कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आया हूं एक और वीडियो लेक्चर। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है नई सीआरपीसी यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि बात करता है पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में और डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट्स के बारे में। यानी कि ये जो नई सीआरपीसी आई है, इसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट्स हैं जो उसके अंदर काम करते हैं, वो कितनी सजा दे सकते हैं और नए सेक्शंस कौन कौन से हैं उसके, और पुरानी सीआरपीसी से नई सीआरपीसी में क्या चेंजेस हुए हैं, इनको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं, जहां पे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, जैसे हमें की पता है कि सबसे एपेक्स कोर्ट जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट है, और उसमें हमेशा एक पावर होती है अपील की, यानी कि कोई भी क्रिमिनल मैटर हो वो अपील में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, यानी कि ओरिजिनली अगर वो चाहे कि कोई क्रिमिनल ट्रायल अपने कोर्ट में चला ले तो वैसा नहीं कर सकती है। तो इसीलिए यहां पे मैंने कोई सेक्शन नंबर मेंशन नहीं किया है, ऑल्दो यहां पे अपील के मामले में हमें पता चल रहा है कि एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट पास कर सकती है। तो ये बात तो क्लियर है सर कि सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारी उच्चतम न्यायालय है, वो लॉ के द्वारा स्थापित कोई भी पनिशमेंट किसी भी पर्सन को ग्रांट कर सकती है अगर कोई भी क्रिमिनल मैटर उसके पास आया। अब हम सुप्रीम कोर्ट देख ही रहे हैं, तो हम एक चीज और क्या देख लें सर, रिट देख लेते हैं। रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है आर्टिकल 32 के बेस में। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, पता होनी चाहिए। अब हमारे पास जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट आती है जिसके पास क्रिमिनल ट्रायल चलाने की भी पावर है, वो है हाई कोर्ट। एक स्टेट की सबसे उच्चतम न्यायालय, यानी कि उच्चतम तो सुप्रीम कोर्ट होती है, स्टेट की उच्च न्यायालय, और अगर केवल स्टेट की बाउंड्री लाइन को देखा जाए तो वहां की सबसे एपेक्स कोर्ट जो होती है वो होती है हाई कोर्ट, जिसके पास ये पावर है कि अगर वो चाहे तो वो किसी भी क्रिमिनल ट्रायल को किसी कोर्ट से उठा के अपने कोर्ट में चला सकती है, और अगर चाहे तो वहां पे किसी दूसरे ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट को भी ये मामला दे सकती है उस स्टेट के अंदर। तो नई सीआरपीसी यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का कौन सा सेक्शन सर, 22 सब क्लॉज 1 हमें ये बताता है कि हाई कोर्ट जो है एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ पास कर सकती है, यानी कि लॉ के द्वारा स्थापित किसी भी प्रकार की कोई सजा हाई कोर्ट दे सकती है। इसके बाद हमारे पास थर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट है वो कौन सा है, वो है सर सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट सेक्शन 22 सब क्लॉज 2 नई सीआरपीसी का बताता है कि एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, यानी कि सेशंस कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो लॉ में जो डिसाइडेड है, यानी कि लॉ में जो पनिशमेंट्स बताई गई हैं, उन पनिशमेंट्स में से कोई भी पनिशमेंट किसी भी केस में दे सकता है, बस वो केस का ट्रायल करने के बाद ही दे पाएगा। अब यहां पे नीचे लिखा हुआ है सेशंस जज और एडिशनल सेशन जज। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है सर, हमें पता होना चाहिए कि सेशंस कोर्ट किसी जज से चलेगा, और यहां पे केवल एक नहीं दो टाइप ऑफ जज जो हैं सेशंस कोर्ट में बैठते हैं, और वो कौन से जज हैं, पहले हैं सेशन जज स्वयं जो कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सेशंस कोर्ट होते हैं, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं एडिशनल सेशन जज जो कौन होते हैं, इनके जितनी ही इक्विवेलेंट पनिशमेंट दे सकते हैं लेकिन इनसे रैंक में थोड़े नीचे होते हैं, और इन दोनों के पास सेक्शन 22 के सब क्लॉज 2 में ये पावर है कि वो एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ दे सकते हैं। अब सेशंस कोर्ट को पढ़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सेशंस कोर्ट कभी भी फांसी की सजा अगर सुनाती है तो उसको क्या करना पड़ता है, फांसी की सजा सुनाते वक्त उसको हाई कोर्ट से क्लियरेंस लेना पड़ता है या हाई कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है, और ये भी हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेशंस कोर्ट। हमने इससे पहले देख लिया था कि भाई सेशंस कोर्ट कितनी सजा दे सकता है, अब सेशंस कोर्ट के नीचे कौन कौन काम कर रहा है। तो सेशंस कोर्ट के नीचे जो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट के पर्सन है वो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकते हैं सर, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सजा दे सकते हैं 7 साल तक की। इनके पास एनी पनिशमेंट का क्लॉज नहीं है, वो सेशंस कोर्ट के पास ही आके खत्म हो जाता है। ये सजा दे सकते हैं अप टू 7 इयर्स, और साथ ही साथ कौन से सेक्शन के बेस पे देंगे, तो सेक्शन 23 सब क्लॉज 1, यानी कि 23 सब क्लॉज 1 के तहत सीजेएम के पास ये पावर है कि वो 7 साल तक की किसी को सजा सुना सकते हैं। अब जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो एक एचओडी की तरह है। एचओडी मतलब इस डिपार्टमेंट के हेड, और इनके नीचे काम करने वाले लोग कौन से हैं, इनके नीचे काम करने वाले लोग हैं दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। तो जो सबसे दो इंपॉर्टेंट हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो कि मेनली होते ही हैं, वो है जेएमएफसी यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और दूसरे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जिसको हम कहते हैं जेएमएससी। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, वो दे सकते हैं 3 साल तक की सजा, ₹50,000 तक का फाइन, और एक नई चीज ऐड हुई है जो कि है कम्युनिटी सर्विस, जिसको मैं यहां स्टार मार्क कर देता हूं। कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या है सर, कम्युनिटी सर्विस का मतलब यह है कि वो सजा के तौर पर किसी को कम्युनिटी सर्विस करने को भी कह सकते हैं, यानी कि उन्होंने सजा के तौर पर किसी को जेल ना भेज के ये कहा कि तुम अगले 6 महीने तक हर रविवार को 500 लोगों को खाना खिलाओगे मुफ्त में। यह कम्युनिटी सर्विस हो सकती है जो उसके ऊपर कंपल्शन डाल सकते हैं। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये इतनी सारी
सजा कौन से सेक्शन के बेस पे देंगे, तो सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 के बेस पे देंगे। अब हमारे पास आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये जो है 23 सब क्लॉज 3 के बेस में सजा दे रहे हैं। ये कितनी सजा दे सकते हैं, यहां पे जो लिखा है उसको ना पढ़ते हुए मैं लिख रहा हूं, यहां पे है 1 ईयर तक की सजा दे सकते हैं, प्लस क्या दे सकते हैं सर, 10,000 रुपए तक का फाइन दे सकते हैं और साथ ही साथ कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हैं। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेशन जज के बारे में तो बात ही नहीं हुई, जो कि पुरानी सीआरपीसी में था। तो नई सीआरपीसी में असिस्टेंट सेशन जज का जिक्र नहीं है और जो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको इस चार्ट में ना डाल के हमने अगली वाली टेबल में डाला है ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि एसडीजेएम जो होते हैं उनको बनाना कंपलसरी नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। दैट इज अ मे बी क्लॉज। ठीक है सर, अब हमारे पास ये टेबल है जो कि हमें तुरंत क्रैक डाउन करवा देगी कि हमने क्या पढ़ा है। इससे पहले जो हमने चार्ट पढ़ा था वहां पे हम जो सेक्शंस को देख रहे थे, ये कौन से सेक्शंस हैं सर, यहां पे जो लिखे हुए हैं ये वो सेक्शंस हैं जिनके बेस पे ये जो कोर्ट्स हैं यानी कि ये जो न्यायालय हैं ये सजा दे सकते हैं। अब जो अगली टेबल हम देख रहे हैं, यहां पे जो सेक्शंस हैं ये वो सेक्शंस हैं जिनके बेस पे ये जो न्यायालय यानी कि ये जो कोर्ट्स हैं वो स्थापित हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भाई एनी सेंटेंस पास्ड बाय लॉ दे सकता है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या सीआरपीसी के अंदर बना है? नहीं, इसलिए उसका सेक्शन नहीं लिखेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट, ये भी एनी सेंटेंस दे सकता है, ये भी क्या आपका ये जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसके बेस पे बना है? नहीं, हटा दिया। सेशंस कोर्ट जो है सर वो सीआरपीसी के बेस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बेस पे ही बना है, इसीलिए ये भी एनी सेंटेंस पास कर सकता है और इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 8 के सब क्लॉज 1 से लेके 3 तक, यहां पे जिक्र है सेशंस कोर्ट का। फिर बीएनएसएस में दिया हुआ है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि सजा दे सकता है 7 साल और ये कौन से बेस पे बना है? सेक्शन 10 के सब क्लॉज 1 में। अब यहीं पे एक और नाम आ गया, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि अगर जरूरत पड़ी तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कार्यभार को और संभालने के लिए एक एडिशनल भी बनाया जा सकता है या एक से ज्यादा भी एडिशनल बनाए जा सकते हैं। ये कौन लोग होंगे? ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होंगे और इनकी पावर भी कितनी होगी? सीजेएम जितनी ही होगी, यानी कि ये भी 7 साल तक की सजा दे सकते हैं और ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 10 के सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यहां पे मैं क्या लिख देता हूं? मे बी। क्यों? क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तभी इसको बनाया जाएगा। इनके पास भी पावर कितनी है? 7 ईयर्स की पावर है सर, सेक्शन 10 के सब क्लॉज 3 में। अब हमारे पास आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसमें यहां स्टार मार्क करेंगे हम क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये दे सकता है 3 साल प्लस 50,000 रुपए तक का फाइन 9 के सब क्लॉज 1 में। और उसके बाद दिया हुआ है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अगर जरूरत पड़ी तो स्पेशल क्लास ऑफ केसेस के लिए 1 साल के लिए केवल, यानी कि ओनली फॉर 1 ईयर, वो भी जरूरत पड़ने पे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भी बैठाया जा सकता है। इसके पास पावर कितनी होगी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जितनी होगी, यानी कि ये सजा दे सकता है 3 साल और 50,000 जितनी, इसका जिक्र है सेक्शन नंबर 11 में। अब इसके बाद हमारे पास आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दे सकता है 1 साल और 10,000 रुपए तक की सजा और ये दिया हुआ है सेक्शन 9 के सब क्लॉज 1 में। और उसके बाद आता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो दे सकता है 1 साल और 10,000, यानी कि सिमिलरली जैसे कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास था वैसे ही स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है और ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 11 में। अब ये तो बात यहां खत्म हुई, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन हम इन सेक्शंस को याद कैसे करें क्योंकि ये नई बेयर एक्ट के सेक्शंस हैं, बहुत आसान है इनको याद करना। अब आप जरा देखते जाइए, जितने भी लोग इस नए बेयर एक्ट के हिसाब से यानी कि नए एक्ट के हिसाब से जितने भी लोग 7 साल तक की सजा दे सकते हैं, कौन कौन है? सीजेएम है, एडिशनल सीजेएम है और एसडीजेएम है। ये तीनों के जो सेक्शन कौन से हैं वो 10 है, 10 का सब क्लॉज 1, 10 का सब क्लॉज 2 और 10 का सब क्लॉज 3। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये दो है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, दोनों कौन से सेक्शन में दिए हुए हैं? 9 सब क्लॉज 1, यानी कि ये भी याद हो गया, यानी कि हमें 9 और 10 सीक्वेंस हमारा बन चुका है सर। और उसके बाद हमें क्या देखना है? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो दोनों स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कौन से सेक्शन में दिए हुए हैं? 11 में, यानी कि ये भी हमारा क्लियर हो गया, 9, 10 और 11। और उसके बाद जो है सेशंस कोर्ट, वो तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि इकलौता सेक्शन याद करना बचा, 8 और उसका सब क्लॉज 1, 2, 3, यानी कि सेक्शन 8, 9, 10, 11 इसका हमारा क्लॉज बन चुका है। तो आपको ये टेबल भी तुरंत याद हो जाएगी एस्टैब्लिशमेंट की। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो इसी टॉपिक के ऊपर था, आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और जाने से पहले फटाफट एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने समझा क्या। हमने केवल ये समझने की कोशिश करी कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे काम करता है सेशंस कोर्ट, सेशंस कोर्ट के नीचे सर काम करते हैं 2 लोग, एक काम करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और उसके साथ काम करते हैं सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर जरूरत पड़ी तो। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर जरूरत पड़ी तो इनका एक एडिशनल भी सीजेएम बनाया जा सकता है। इनके नीचे काम कौन करते हैं सर? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और इनके नीचे दूसरा इंसान जो काम करता है वो होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब यहां पे अगर जरूरत पड़ी तो एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बना देंगे और यहां पे एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी बनाया जा सकता है। बस
इतनी सी ही कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, और नई सीआरपीसी में असिस्टेंट सेशन जज का जो जिक्र है वो नहीं मिला है, तो इसीलिए इसको भूल जाने की भी कोशिश करनी है। तो आई होप आपका ये वीडियो लेक्चर अच्छा रहा हो और आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया हो। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, हम आपका डाउट वहां पर क्लियर कर देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग हार्ड एंड कीप स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।